हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हरी रेस यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन करने वाले हैं, ये एक मूवी ट्रेलर है। नॉट एग्जैक्टली अ मूवी ट्रेलर, बट ये आई थिंक एक ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट है। मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ, ये है वेलकम 3। इसमें मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं है इस मूवी के रिगार्डिंग, बट वेलकम 1 जो थी, दैट वॉज लाइक द सुपर, लाइक हमने अपने बचपन में हमने देखा था। आई मीन, मैंने तो अपने बचपन से मैंने उस मूवी को मैंने देखा था, एंड इट क्रिएट अ नेक्स्ट लेवल ऑफ अ हाइप, जहाँ पे एक स्टोरी, एक कॉमेडी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। लेकिन वेलकम 2 जो थी वो उतनी ज़्यादा, आई मीन, कुछ खास कर नहीं पाई। बट वी डोंट नो कि वेलकम 3 किस टाइप की होने वाली है। ये डेफिनेटली एक टाइटल अनाउंसमेंट, तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं मिल पाएगा, बट स्टिल हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कौन से नए नए कैरेक्टर्स इसमें है या नहीं है, और कौन कौन इसमें प्ले आउट करने वाला है। सो ज्यादा ही ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। अक्षय कुमार इज बैक। ओ अर्शद वासी भी। ओ ओ, अरे सॉन्ग होंगे। क्या कर रहे हो यार पानी? खुद का गाना ठीक से गाते नहीं हो, एक दूसरे का गाना क्यों खराब करते हो? ये ट्रेलर जो था मूवी अनाउंसमेंट का, जो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे इसमें नए कैरेक्टर्स काफी सारे दिखे हैं। एंड वी विल लाइक इट विल बी अ ग्रेट ट्रियो कि इसमें अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी एंड प्रवेश रावल है, क्योंकि इनकी जो, मतलब ये जो ट्रियो है हेरा फेरी के टाइम पे हमने देखी है, जो उनका एक अलग ही लेवल का एक ट्रियो होता है। वो लोग बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हुए एक अलग सी जान डाल देते हैं इस मूवी के अंदर। दैट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, जो कि हमें अभी वेलकम 3 में हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन बट इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें फिर से एक चीज की कमी आ गई जो वेलकम 2 में थी।
उस वेलकम टू में अक्षय कुमार नहीं थे, लेकिन अभी वेलकम थ्री में ऐसा लग रहा है कि इसमें उदय और मजनू नहीं है, तो क्योंकि वो एक ऐसे कैरेक्टर बन गए हैं कि वेलकम हम जब भी देखेंगे आई थिंक उदय और मजनू के बगैर अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो मूवी जो है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब इसमें क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, बट इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली। हमें कुछ ना कुछ एडिशनली मूवी के अंदर चेंजेस काफी होना भी इम्पोर्टेंट है, बट इतने सारे हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, जैसे अर्शद वारसी भी है इसमें, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी, बट स्टिल इट जस्ट अनाउंसमेंट है, तो वी डोंट नो कि एग्जैक्टली किस टाइप की इसमें स्टोरी होने वाली है। एंड इसका नाम भी रखा है वेलकम टू द जंगल, तो मे बी आई थिंक कुछ शायद कुछ सफारी के रिलेटेड हो या फिर कुछ और रिलेटेड हो, मे बी कुड बी द अनदर स्टोरी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल है। बट जब भी इसके ट्रेलर आएंगे तो मैं डेफिनेटली इसमें एक रिएक्शन करूंगी एंड वी विल गेट टू नो अबाउट मोर इन डेप्थ अबाउट द स्टोरी। सो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों में रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों में रिएक्शन कैसा लगा।